देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। राजधानी के विद्याधरनगर स्थित एक निजी अस्पताल ने एक गरीब की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जो मरीज अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो आज अपने पैरों पर खड़ा है और अब वो उन चिकित्सकों को दुआएं दे रहा है जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मरीज ने बताया कि एक हादसे के बाद उसका चलना फिरना बंद हो गया था, लेकिन अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद में वो चलने और फिरने में सफल हो गया है। तो इस वाले केस का डिस्कशन ये था कि भारत के अंदर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है डायग्नोसिस की। रोग का सही नाम नहीं पता है और सही नाम नहीं पता होने के कारण सही इलाज नहीं हो पाता है। ऐसा ही ये एक एग्जाम्पल है कि ये पेशेंट 6 महीने से स्पाइन का इलाज करवा रहा था और इसका कूलर टूटा हुआ था। ये हमारे पास आया, हमने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया। अब 6 महीने पुराना रोग होने के कारण इसकी पैर इसका एक छोटा हो गया और एक तरफ से मुड़ गया, जिसे हम लोग परमानेंट डिफॉर्मिटी बोलते हैं। और ये उकड़ू बैठ के चलता था और 6 महीने से बेडरिडन था। हमने इसका परसों हिप रिप्लेसमेंट किया, जो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक द्वारा किया हुआ है, जिसके अंदर हम 4 सेंटीमीटर के चीरे से इसका हमने पूरा जोड़ प्रत्यारोपण कर दिया और हम 6 घंटे बाद ही पूरा वजन डाल के इसको वॉकर की सहायता से इसको चला दिया। पहले तो ये चेस्ट के शरीर में फेफड़ा वेफड़ा सब खराब हो गया था, लीवर भी खराब, सांस भरता चला नहीं जाता। फिर 4 साल से पैर टूटा, पैसे मिले नहीं, कहीं इलाज हुआ। पैर कैसे टूटा? पैर गिर गया था, मजदूरी कर रहा था, पर टूट गया। कहाँ से टूटा था? ये कूले में से टूट गया, खड़ा नहीं जाता था। 3-4 साल तक इलाज के लिए पैसे थे नहीं। इन्होंने सर की कोई जानकारी मेहरबानी हुई नहीं, इन्होंने संपर्क वाले मेरा इलाज किया। एक डेढ़ महीना सारी चीज़ में इलाज किया, सारा खर्चा रोटी पानी